में भी देख रहे हो ट्रैफिक कैसी तैसी कर रखी, रोड ब्लॉक कर रखा है, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, चारों तरफ से गाड़ियां घुसा रखी हैं। देख रहे हो यहाँ पे अब एक एक करके निकल रहा है और रेड लाइट हो रखी है हमारी, लेकिन क्या करें हम बीच में फंसे पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज इतना काम है, बता रहा हूँ, 20 दिन में मैडम को लेके गया था और उसके बाद अभी आया हूँ, आके नहाया धोया, खाना वाना बनाया, खाना वाना बना के अभी फिर चल रहा हूँ भाई, सामान लेना है। तो बता रहा हूँ गाड़ी में बैठ के वीडियो वाला शूट कर रहा हूँ यार, भाई दौड़ा दौड़ी यार लगा पड़ी, क्योंकि रमज़ान आने वाला है ना। रमज़ान मतलब बता तो रहा हूँ ये लोग, बहुत बुरा हाल होता है भाई रमज़ान में। तो अभी चल रहा हूँ अब केक लेने के लिए भाई, अभी जा रहा हूँ केक लेने, केक लेने के बाद में फिर अभी आके फिर उसके बाद में घर पे दे के फिर जाना है बलून लेने, बलून लेने के बाद में फिर जाके उसको घर पे दे के फिर उसको बाद मैडम को लेके जाना है। भाई ड्यूटी बहुत तगड़ी चल रही, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। तो वैसे भी रमज़ान में भाई यहाँ कुछ ज़्यादा ही काम होता है, कुछ ज़्यादा ही। तो अभी चल रहा हूँ, पहले केक लेके आता हूँ फिर उसके बाद दूसरा काम कर। तो भाई आ गए हूँ यहाँ, केक लेना है अपने को। ये देख रहे हो कितने खतरनाक खतरनाक केक हैं, ओ भाई साहब ज़बरदस्त ये केक, ये सारे केक हैं। अभी देखता हूँ उसको पर्ची देता हूँ, ये सारे देख रहे हो केक कितने खतरनाक, बहुत महंगे महंगे केक हैं भाई ये देखो ज़बरदस्त ज़बरदस्त सारे केक। अब ये रहा अपना केक, ये वाला इसको लेके जाना है भाई, ये देख रहे हो। तो भाई केक लेके अभी चल रहा हूँ, ओ भाई वो जाम लग गया है, अभी जल्दी लेके पहुँचना है, उसके बाद आके अभी गुब्बारे लेने हैं भाई, बलून लेना है। तो अब चल के केक पहले दे के आता हूँ मैडम के माँ के यहाँ पे, दे के आना है कल। ये लोग मतलब कि कल से रमज़ान स्टार्ट है ना, कल वाली रात से, परसों से मतलब दिन से। तो आज जो है आज इतना है सेलिब्रेशन कर लें, क्योंकि मैडम की माँ चली जाएगी जद्दा मक्का, हाँ मेरे हिसाब से कह तो रही थी, तो इसीलिए अभी एक केक वगैरह लेके जा रहे हैं। तो अभी एक केक पहुँचाता हूँ पहले, अभी जाम लगा पड़ा देख रहे हो, बहुत बुरा हाल है भाई। तो भाई पहुँचने वाला हूँ मैडम के मामा के घर। ये देखो ये डोज गाड़ी है, सेल्वी 5.0, ये पुराना मॉडल है, ये सब बेकार थे, अब वाले तो सही लगते हैं। या तो बहुत पहले वाली डोज वो मस्टैंग है, मस्टैंग कह रहा हूँ डोज, पहले वाली मस्टैंग मस्त ये सामने आ गया भाई। पहले यहाँ पे चल के केक देता हूँ, ये केक देने के बाद में अब यहाँ पे दो बंगाली हैं, एक ये सामने जो ब्लू कलर वाला है घर दिख रहा है, ये सामने जो दिख रहा है ब्लू कलर वाला घर, यहाँ पे मतलब इसी घर में इसमें दो बंगाली हैं, एक है गाड़ी चलाता है, यहाँ पे जो जी वैगन खड़ी है ना, ये सामने ये जी वैगन जो खड़ी है इसी घर पे अपने को देना है। ये देखो गेट खुला भी हुआ है, तो अपने को यहाँ पे देना है। और इस घर में दो बंगाली, एक ड्राइवर, एक कुकिंग करता है, एक यहाँ पे। अभी देखता हूँ पहले कहाँ पे है इसको दे के, फिर अभी तुरंत वापस जाना है, फिर यहाँ पे लेके आना है बलून, इसी घर में देना है। जी वैगन मैडम के भाई की मस्त लग रही है ना, ज़बरदस्त वाली। तो भाई ही केक दे के वापिस जा रहा हूँ, वापिस जाके अभी तुरंत एक गाड़ी चेंज करनी है, होंडाई अपनी एलेंट्रा चेंज करके देखता हूँ, फोर्ड लेके जानी है, रैप्टोर लेके जानी है, या इसुजू, दोनों में से अब जो मैडम बोलेगी वो लेके आनी है, क्योंकि उसमें बलून इसमें आएगा नहीं ना, साइज़ उसका ज़्यादा है तो इसमें आएगा नहीं। अब चलता हूँ इस गाड़ी को चेंज करके और दूसरी गाड़ी अभी लेके आता हूँ भाई, बहुत बुरा हाल है। देख रहे हो पार्किंग सार्किंग यहाँ पर कहाँ खड़ी कर रखी गाड़ियाँ, रोड पर ही इतनी गाड़ियाँ हैं कि घर के सामने नहीं खड़ी होती तो दूसरे रोड पर ले जाके यहाँ लोग खड़ी करते हैं गाड़ियाँ, बहुत देख रहे हो यहाँ पे। अब सब ये किसी दूसरे घर की गाड़ी होंगी, इस घर की नहीं है, सब अलग अलग दूर दूर ले जाके रोड पे कहीं कहाँ गाड़ियाँ लोगों पास इतनी हैं। तो चलता हूँ भाई अभी पहले रूम पे ये गाड़ी खड़ी करता हूँ, फिर दूसरी गाड़ी चेंज करके आता हूँ, क्योंकि अब नमाज का टाइम हो गया ना, अभी तो दुकान बंद हो गई, लेकिन पहुँचना आपको टाइम से है, 4 बजे वहाँ पर मेरे को पहुँच जाना है, अपने को बाकी टाइम अभी 18 मिनट बाकी है। तो चलता हूँ, देख रहे हो यहाँ गाड़ियों की भरमार है, फॉर्चुनर यहाँ कोई पूछता ही नहीं है भाई, कोई देखता ही नहीं मुड़के, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ BMW या मसराटी खड़ी है, कौन देखेगा इनको, कोई नहीं पूछने वाला भाई, कोई नहीं पूछने वाला, गाड़ियों की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे गाड़ियाँ डोज, जीप, मर्सिडीज, रेंज रोवर, FJ क्रूजर, निसान पेट्रोल, BMW, फोर्ड, BMW, लेक्सेस
कोई नहीं पूछने का, कोई नहीं पूछने का, ऐसे ही खड़ी होती है यहाँ पे। अपने यहाँ होता तो भाई लोग फोटो खींचने लगते हैं, यहाँ कोई नहीं। तो चलता हूँ फिर पहले इस गाड़ी को खड़ी करके, अब दूसरी गाड़ी लेके आता हूँ। तो भाई गाड़ी चेंज कर दी है, अब अपने आप पास आ गई फोर्ड रैप्टोर। अभी चल रहा हूँ बलून लेने के लिए। इस गाड़ी का अपना ही मज़ा है, देख रहे हो हाइट इसकी, देखते हो इतनी ऊंची है, पूरी ट्रक जैसे, ट्रक नहीं आदमी चलाता, ट्रक वगैरह एकदम फुल हाई वाली, तो ऐसे ही इसकी भी हाइट है। बहुत मज़ा आता चलाने में, तो पिकअप इसका इतना ख़तरनाक है भाई। तो अभी चल रहा हूँ पहले बलून वाले के पास में, उसके बाद बाकी काम बाद में, पहले बलून वाले के पास चलता हूँ। ये बलून है भाई, इसको लेके जाना, देख रहे हो बहन क्या बीमारी है ये। अब इसको देखते हैं कैसे एडजस्ट होता है। इसी को भैया लेके आना है, इसलिए इतनी हैवी गाड़ी लेके आया हूँ। देखता हूँ अभी इसमें बलून आता है कि नहीं। भाई साइज़ तो बहुत हैवी लग रहा है, लेकिन गाड़ी में आ जाना चाहिए, अब अंदर ही रखना पड़ेगा। देखता हूँ अभी एडजस्ट करता हूँ, इसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैडम को फ़ोन करके बोल दूँगा भैया वो जो दूसरी गाड़ी आती है बलून वालों की, इनकी खुद की गाड़ी रहेगी ना, तो उस गाड़ी से भिजवा देंगे। अभी उससे चेक करवाता हूँ रखवा के, पता नहीं आता है कि नहीं। अरे गाड़ियाँ तो और दिमाग ख़राब कर रखा है। तो ये देखो भाई, गाड़ी में मैंने बलून भर लिया है, बड़े मुश्किल से आया, इसको बहुत बचा के लेके जाना पड़ेगा, नहीं साला कहीं कार दग जाए, तो इसको बचा के लेके जाना पड़ा। अब चल रहा हूँ, देख रहे हो पूरा ये यहाँ पे पूरा अंदर भरा पड़ा है, तो इसको बचा के अभी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई दिक्कत हो गई फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलता हूँ भाई, इसे भी डिलीवर करके आता हूँ, देखता हूँ अभी और दूसरा फिर कोई काम है कि नहीं है। तो भाई सामान वामान सारा रख रखवा के, पूरा उनके रूम में सेट करा के सारा सामान, अब आ रहा हूँ, अब चल रहा हूँ रूम पे। अभी मैंने भाई को फ़ोन किया तो मैंने पूछा कहाँ पे है, तभी वो भी रूम पे है, लेकिन उसने तो अभी कुछ बनाया भी नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है फिर, अब जा रहा हूँ रूम पे, अभी खाना खाता हूँ। बहुत बुरा हाल है, देख रहे हो मुँह पूरा सूख गया है, अभी प्यास बहुत तेज़ लगी है। अभी चल के पहले पानी वानी पीता हूँ दबा के, उसके बाद मैं देखता हूँ अगर टाइम मिला तो अभी फटा चल के खाना खाता हूँ। खाना खाने के बाद में फिर अभी शाम को ना फिर अभी लेके आना है अभी पार्टी को, तो अभी चल रहा हूँ। अभी देखता हूँ अगर कहीं दोबारा अभी ना भेजा कहीं चॉकलेट वगैरह लेने के लिए तब, तो अभी चल रहा हूँ भाई। बाकी गाड़ी तो बहुत यार बताता रहा हूँ, गाड़ी चला चला के हालत ख़राब है, कभी ये कभी वो कभी ये, तो दिमाग ख़राब हो जाता है कभी। अब तीन गाड़ी आज बताता रहा हूँ, अभी एलेंट्रा लेके गया, फिर BMW लेके गया, फिर अभी ये रेप्टो लेके गया, तो बुरा हाल हो जाता है यार गाड़ी चला चला के, पैर दर्द करने लगता है। रात को भाई नींद ऐसी आती है ना, तो सुबह आँख नहीं खुलती है, तो समझ जाओ, तो लेट सुबह तो उठता हूँ मैं भी तसल्ली से, फिर गाड़ी वाड़ी साफ़ करो, फिर जल्दीबाजी काम धाम में, फिर जल्द इधर उधर, दिन ही पता नहीं लगता भाई कहाँ दिन निकला हो, कहाँ दिन ख़त्म हुआ पता ही लगता है। तो अभी चल रहा हूँ रूम पे, अब रूम पे चल के अभी ये गाड़ी खड़ी करता हूँ, उसके बाद में अभी फिर अभी मैडम BMW से ही आएगी, क्योंकि इसमें तो आएगी नहीं भी, इसमें बहुत कमी आती है, क्योंकि जब ये कोई सामान वामान अगर लादना होता है, ज़्यादा सामान होता है, तभी ये गाड़ी यूज करती, नहीं तो अपना BMW ही। तो चलता हूँ फिर रूम पे भाई, क्योंकि भूख बहुत तेज़ की लगी, अब खाना खाता हूँ चल के। जाम लग गया भाई यार, आज बताता हूँ इतना जाम है, आज जाम है, देख रहे हो आज जाम चारों तरफ जाम ही जाम है। एक तो ऐसे ही हालत ख़राब, गाड़ी चला चला के ऊपर से जाम, बहुत बुरा हाल है भाई। अब यहाँ देख लो जाम लग गया, ये देखो निशान पेट्रोल गाड़ी, मस्त लगती है, लेकिन देख लो इस उसके इतना लैंड क्रूजर के बराबर, लैंड क्रूजर से ऊंची है निशान पेट्रोल, लेकिन उसका साइज देखो, इसका रैप्टोर का साइज देखो, उसके इसके सामने ये बच्चा लग रही है देख रहे हो। पर गाड़ी है बहुत ज़बरदस्त, निशान पेट्रोल गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है भाई। जाम यार, अपने को यहाँ सब लेना, यू टर्न चलता हूँ, पहले यू टर्न लेता हूँ देख रहे हो यहाँ पे भी सऊदी अरब में भी देख रहे हो ट्रैफिक कैसी तैसी कर रखी, रोड ब्लॉक कर रखा है, इधर से गाड़ी उधर से गाड़ी, चारों तरफ से गाड़ियाँ घुसा रखी हैं, देख रहे हो यहाँ पे अब एक एक करके निकल रहा है, और रेड लाइट हो रखी है हमारी, लेकिन क्या करें हम बीच में फंसे पड़े हैं, बता रहा हूँ वो दिए देखो ऐसी तेज, अब अभी देख रहे हो, ओ भाई चल 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 चल, अब जाके कहीं देख रहे हो, एक एक के बाद एक के बाद एक एक मार देके पूरा रोड जाम कर रखा है भाई वो तो भाई एलेंट्रा और फोर्ड, अब दो एलेंट्रा छोड़ी, फिर उसके बाद फोर्ड पकड़ी, फोर्ड छोड़ी, फोर्ड के बाद में अभी ये देखो BMW पकड़ा है, अभी फिर आया हूँ ड्यूटी मैडम को लेके, मैडम को छोड़ के अब जा रहा हूँ रूम पे।
ड्यूटी तो बता रहा हूँ भाई, एक गाड़ी खड़ी करी नहीं, दूसरी गाड़ी मिली, दूसरी नहीं पकड़ी, दूसरी छोड़ी, तीसरी मिली, तो बहुत बुरा हाल है। एक तो आज जाम इतना है, बहुत बुरा हाल है भाई गाड़ी चला चला के। आज तो बताता हूँ पैर ने इतना दर्द हो रहा है ना गाड़ियाँ चला के, बहुत बुरा हाल है। अब चल रहा हूँ रूम पे, अगर कोई काम ना होगा तब चुपचाप चल के आराम करूँगा। गाड़ी चलाते चलाते बोलते रहो, शाम हो गई, आज जाम इतना है यार, देख रहे हो आज दिमाग ख़राब है भाई साहब। बहुत रमज़ान के लिए, रमज़ान के वो दो दिन बचा है, एक भाई बताते रहो दो दिन में देख रहे हो लग रहा है पूरा जितना सामान है आज ही सब खरीद लेंगे। बहुत जाम यार, बहुत जाम बताते रहो। अब जाके कहीं, अब जाम से जाके कहीं निकला हूँ नहीं, अभी तक तो बहुत बुरा हाल था, अब जाके कहीं खाली रोड मिला है। तो भाई अभी मैं बाहर निकला हूँ क्योंकि आगे मैं तुरंत लेट गया भाई, सो गया था और मैं उठ रहा हूँ अभी रात के 9 बजे। जैसे मैं आया हूँ ड्यूटी से, उसे गया तुरंत लेट, मैं गया सो, देखो बिल्ली निकली, बिल्ली वैसे बैठी है। और मैं बाहर निकला हूँ, बाहर यार इतना बुरा हाल है भाई साहब, बता दे रहा हूँ, ये देख रहे हो ये इतना मतलब गुब्बार, मतलब ये डस्ट इतना चल, हवा चल रही ना, तो हवा से ये एक और आ गई। अब वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत बुरा हाल है भाई, धूल इतनी उड़ रही है यहाँ पे, इतनी उड़ रही धूल, देख रहे हो पूरा बुरा हाल हो रखा है। सुबह ये गाड़ी साफ करी थी मैंने बड़ा बुरा हाल है भाई, देख रहे हो पूरा डस्टी डस्ट, डस्टी डस्ट। तो भाई टाइम होने वाला है अपने पास, 1 बजने वाला है, देख रहे हो बंदा पीछे घूम रहा है 1 बजे भी, यहाँ रात को सोते नहीं ये लोग, पूरी रात घूमते रहते, देख रहे हो गाड़ी खोल के कहाँ जा रहा है। अभी मैं भी चल रहा हूँ ड्यूटी, अभी इंतज़ार कर रहा हूँ एक बंदे का, वो सामान लेके आएगा और फिर अभी चलता हूँ। तो इस वीडियो का एंड यही करते हैं भाई, क्योंकि अब रात को देखता हूँ मैं कितने बजे आता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, दीजिए भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।